म्यूजिक लेक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इंडिया में दरअसल लॉकडाउन चला हुआ है, तो मैंने सोचा कि हम सब फ्री हैं तो क्यों ना मैं अपने सेटअप का एक वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं कि किस तरह का मैंने सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि किस तरह का मैंने सेटअप बनाया हुआ है। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में अपने सेटअप का टूर कि किस तरह की मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने सेटअप में, क्या क्या प्रोडक्ट्स का मैं यूज करता हूँ, किस तरह की लाइटिंग है, और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुरुक्षेत्रा से बिलोंग करता हूँ और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं अभी वो रहते हैं लगभग 18,000। तो आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स का सेटअप तो देखा होगा, काफी शानदार होता है। तो हमारा भी आप सेटअप देख लीजिए और बताइए कि आपको किस तरह का ये सेटअप लगा, कॉमेंट जरूर करना। तो चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं मेरे सेटअप के बारे में। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ इस तरह का सेटअप मैंने बनाया हुआ है। तो मैं आपको अकेले अकेले गैजेट्स खरीदे हुए हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। सबसे पहले जो आप रेड और ये ब्लू आप बैकग्राउंड देख रहे हो, दरअसल ये रहते हैं वॉल स्टिकर जो आपको 200-250 रुपए में फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर मिल जाएंगे। लिंक हर एक प्रोडक्ट्स का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने लगाए हुए हैं वॉल शेल्फ। दरअसल इन वॉल शेल्फ का प्राइस था लगभग 1500 से 2000 रुपए के करीब। तो ये आपके सेटअप को काफ़ी शानदार बनाते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। अगर ये वॉल शेल्फ हम यहाँ से हटा दें तो हमारी जो बैकग्राउंड है वो हमें इतना अच्छा लुकिंग नहीं प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इनमें आप कुछ पार्ट्स या फिर कुछ सामान रखा हुआ देख रहे हो। दरअसल जैसे कि इसमें एक पॉट्स रखा हुआ है, दरअसल मैंने इसको खरीदा था कुरुक्षेत्रा में, गीता जयंती का प्रोग्राम होता है, वहाँ से आपको काफ़ी सारी क्वालिटी में या फिर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ये पॉट्स देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से जो ये प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादातर वो मैंने मेला वगैरह होते हैं वहाँ से खरीदे हुए हैं। उसके बाद अगर हम चलें तो यहाँ पे एक लाइटिंग का सेटअप बनाया हुआ है जो कि मेरे ब्रदर ने बनाया था, जो कि अभी कैमरा के पीछे हैं, वो कैमरा ही होल्ड कर रहे हैं, ज़्यादातर का एडिटिंग का काम वही करते हैं। और मैं आपको एडिटिंग का ऐप भी बताऊँगा कि जिसमें हम अपनी वीडियो की एडिटिंग करते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ डेकोरेशन पर्पस के लिए बल्ब का यूज़ कर सकते हो। बीच में एलईडी लाइट होती है जो स्ट्रैप की पट्टी में आती है, वो डाली हुई है ऊपर से, इसका जो एल्युमिनियम का खोल वगैरह सा होता है वो निकाल के। उसके बाद यहाँ पे मेरा सेटअप देख ही रहे होंगे, ये भी कुछ इस तरह के वॉल शेल्फ हैं जो उस साइड लगे हुए हैं। दरअसल ये सारे कॉम्बो में आए थे जिनका प्राइस मैंने आपको बताया लगभग 2000 रुपये के करीब था। उसके बाद ये हे प्लस बैंड है जो कि उम्मीद थी इंडिया में आने की कि ये MI बैंड 4 होगा, लेकिन इसी तरह का ही बैंड इंडिया में लॉन्च हुआ जो कि मैं अक्सर बांधता हूँ। फिलहाल मैंने नहीं बांधा हुआ क्योंकि उसका स्ट्रैप थोड़ा सा टूट गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा मेरे लिए बैंड था। उसके बाद मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये रहा मेरा लैपटॉप। तो जो मैं टॉप व्यू की अगर वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि अनबॉक्सिंग वगैरह करता हूँ, वो मैं इस टेबल पर करता हूँ। तो इस टेबल पर आप देख रहे होंगे कि मैंने चार्ट्स लगाए हुए हैं, ज़्यादा मैंने कॉस्टिंग नहीं लगाई हुई, काफ़ी कम खर्चा किया हुआ है। मैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ये चार्ट्स, जैसे बच्चे ड्राइंग वगैरह करते हैं उस तरह के चार्ट्स रहते हैं, वो रखकर अनबॉक्सिंग वीडियो बनाता हूँ। ये रहा मेरा लैपटॉप जो कि रहता है डेल की तरफ से। तो डेल का ये लैपटॉप है, काफ़ी पुराना मॉडल है, लगभग मैंने इसको ख़रीदा था 2012 या 2013 के करीब। और मेरे इस लैपटॉप की बैटरी भी ख़राब है, फिर भी मैं इसको चार्जिंग लगा के यूज़ करता हूँ। दूसरी बात, यहाँ से मेरे से प्रेस हो गया था जिसके कारण इसकी यहाँ से स्क्रीन डैमेज है, तो फिर भी मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास वैल्यू नहीं है लगाने के लिए और लॉकडाउन अभी चला हुआ है। ये रहा JBL का स्पीकर जिसको मैं यूज़ करता हूँ म्यूज़िक वगैरह प्ले करने के लिए। तो कुछ इस तरह का मेरा ये टेबल का सेटअप है, और मैं एक टेबल भी रखी हुई है यहाँ पे जिस पे मैं बैठकर मोस्टली वीडियो शूट करता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं लाइटिंग की तरफ कि किस तरह की मैं लाइटिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे पहले हम आते हैं ट्राईपॉड पर या फिर एक स्टैंड पर। तो मेरे पास जो कैमरा है, दरअसल वो कैनन का 200D रहता है, तो उसके लिए मेरे को ये स्टैंड खरीदना पड़ा। पहले तो हम मोबाइल में वीडियो शूट करते थे तो हमें हल्के फुल्के छोटे मोटे 300-400 रुपए के स्टैंड की जरूरत पड़ती थी, वो काफ़ी रहता था। उसके बाद जब मैंने कैमरा खरीदा तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ गई, तो ये जो स्टैंड है लगभग मुझे मिला था 1500 रुपए के करीब का।
तो काफी अच्छा स्टैंड है, काफी हैवी है। उसके बाद ये रहा मेरा लाइटिंग का जो पार्ट्स है या फिर लाइटिंग का सेटअप है, कुछ इस तरह का। इसमें एक अम्ब्रेला लगा हुआ है व्हाइट कलर का, बैक साइड में मैंने जुगाड़ लगा के इसमें लाइट्स वगैरह लगाई हुई है, वो भी मैं आपको कैमरा में शो कर देता हूँ कि किस तरह की लाइट्स है। दरअसल जो इसमें लाइट्स है, मैंने एक LED बल्ब लगाया हुआ है और एक बिल्कुल आप पट्टी देख रहे होंगे कि ये जो लंबी वाली रोड आती है वो लगाई हुई है, जो कि फिलिप्स कंपनी की है। और नीचे आपको स्टैंड नजर आ ही रहा होगा कि ये स्टैंड है। तो इसके लगभग पूरे के सेटअप की कीमत बैठती है मेरे ख्याल से लगभग 1500 रुपए के करीब, जो ये स्टैंड है 750-800 रुपए का आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है बैग, जो कि रहता है मेरा कैमरा बैग, जिसमें मेरा कैमरा सेट होता है कैनन 200D। तो कैमरा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आपको वीडियो क्वालिटी से पता लग रहा होगा कि किस तरह की क्वालिटी मेरी अक्सर वीडियो की आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मिरर भी लगाया हुआ है, वीडियो से पहले अपने बालों को सेट करने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे मिरर लगाया हुआ है जेल वगैरह लगाने के लिए। तो ये रहा मेरा शीशा वगैरह या फिर मिरर वगैरह। उसके बाद मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स को मैं ख़रीदता हूँ, कुछ एक आधी स्पॉन्सरशिप भी आ जाती है कभी कभार, वो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो प्रोडक्ट्स मेरे पास क्या क्या है। तो कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ को मैं यूज़ में लाता हूँ, वो भी रखे हुए हैं मेरे बैग वगैरह में। तो चलिए मैं आपको प्रोडक्ट्स को दिखाता हूँ कि किस तरह के मेरे पास वो प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं प्रोडक्ट्स पर जाने से पहले आपको एक लाइट दिखाना चाहूँगा, जो कि एक जुगाड़ लगाकर बनाई हुई है। दरअसल ये हमारा गत्ते का एक बॉक्स है, उसके अंदर हमें एक LED लगाई हुई है और आगे की तरफ एक वाइट पेपर लगाया हुआ है, जो कि ट्रेस पेपर वगैरह शायद रहता है। इस तरह से भी हम अपना लाइटिंग का एक सेटअप तैयार कर सकते हैं, जिसकी आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहीं से देखकर मेरे ब्रदर ने ये सेट किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह के रहते हैं। अगर मैं बात करूँ माइक की, तो इस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोया M1 माइक से, तो काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी आती है। तो आपको मेरी वीडियो देखकर पता लग जाता है कि किस तरह की ऑडियो क्वालिटी इस माइक की रहती है। हालांकि इसमें जो बैटरी है, अगर आप इसको कैमरा में यूज़ करोगे, वो काफ़ी कम बैकअप देती है, आपको इसको बार बार ऑफ करना पड़ता है। तो चलिए मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं और उनको मैं यूज़ में लाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन सभी प्रोडक्ट्स को लगाया हुआ है, वैसे तो ये बिखरे पड़े रहते हैं लेकिन मैंने इनको सेट कर दिया ताकि ज़्यादा उलझन ना पड़े वीडियो में प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे रखी है एक पैड, ये पोर्ट्रॉनिक्स कंपनी की तरफ से आती है। दरअसल इसमें नीचे की तरफ एक पेन होता है, जो भी आप लिखते हो वो इस पर प्रिंट हो जाता है, उसके बाद अगर आप इसको इरेज करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ एक बटन से इसको डिलीट कर सकते हो। मुझे जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कुछ पॉइंट इस पे लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इस पे लिख लेता हूँ, पेपर वगैरह यूज़ नहीं करता। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ MI पावर बैंक को, काफ़ी अच्छा मुझे पावर बैंक लगा, 20,000 mAh की इसकी कैपेसिटी है। तो मैं बाहर कहीं ट्रैवल करता हूँ तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे ये दे देता है, फास्ट चार्जिंग भी करता है। उसके बाद यहाँ पे एक लॉक रखा हुआ है, दरअसल एक तरह की स्पॉन्सरशिप भी थी। उसके बाद यहाँ पे एक लैंप है, जो लैंप के साथ आपको स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। उसके बाद ये जो है, ये है MI बियर्ड ट्रिमर, जो कि लॉकडाउन के समय में काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि बियर्ड को ट्रिम करने के लिए हमारे पास यही एकमात्र साधन था, क्योंकि हम बाहर कहीं नहीं जा सकते थे। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में लगी हुई है विंटेज कार, मैंने लगभग सभी प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इस विंटेज कार्ड की भी मैं आपको थोड़ी सी खासियत बता देता हूँ, वीडियो अवेलेबल है। तो ये एक USB हब रहता है, जिसको मैंने एक इंटरनेशनल वेबसाइट से ऑर्डर किया था। ये रहता है MI की तरफ से आने वाला एक शेवर, ये भी काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको यूज़ किया है। जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, दरअसल वही लगभग सभी यहाँ पे लगे हुए हैं, MI स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन, और उसके बैक साइड में 10,000 mAh का पावर बैंक का भी एक बॉक्स रखा है, वो भी मैं कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ जब मेरा 20,000 mAh का पावर बैंक डाउन होता है। और यहाँ लगी हुई है ये लाइट,
ये भी एम आई की तरफ से आने वाली है, एक स्मार्ट लाइट है, इसको आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद ये एक सेल्फी लाइट है, मैंने वैसे ही मंगवा ली थी वीडियो बनाने के लिए, अनबॉक्सिंग करने के लिए, क्योंकि इस तरह है कि ये लाइट रहती है, तो हालांकि साइज इसका काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये आपको दे देती है अगर आप रात को फोटो वगैरह क्लिक करना चाहो। ये रखा मेरे माइक का डिब्बा बोया M1। उसके बाद जो मेरे पास फर्स्ट स्पॉन्सरशिप आई थी वो रहती थी केक्टस मॉस्किटो किलर की, तो ये मेरे पास मेरी फर्स्ट स्पॉन्सरशिप है, तो काफ़ी अच्छी ये मशीन हो सकती है मॉस्किटो को किल करने के लिए। उसके बाद एक हमारे पास ये प्रोडक्ट रखा है रेडमी ईयरडोट्स, हालांकि इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ लेकिन मैंने इसको एक इंटरनेशनल वेबसाइट से मंगाया था और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। MI के ज़्यादातर मेरे पास प्रोडक्ट हैं, ये रहा MI का नेल कटर, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद मैं MI माउस को भी यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा ये माउस है, बैटरी लाइफ है जो इसकी वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। उसके बाद ऊपर की तरफ भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है, तो यहाँ पे रखा MI पावर बैंक 20,000 mAh का, जो कि फेक है। अगर आप फेक और ओरिजिनल पावर बैंक में डिफरेंस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से जाके आपको पता लग जाएगा कि फेक और रियल पावर बैंक में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। ये रही MI ड्यूल ड्राइवर ईयरफोन, इस ईयरफोन को मैं दरअसल यूज़ लाता हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी लगती है, और मैं सेकेंडरी माइक की तरह इंडस्ट्रियल माइक को यूज़ करता हूँ, और जब मैं इंटरव्यू वगैरह करता हूँ, जैसे कि मैंने MI सर्विस सेंटर है जो कुरुक्षेत्रा में, उसमें भी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर मैंने इस माइक को यूज़ किया क्योंकि इसमें दो माइक रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देता है और मुझे काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल गया था रीन्यू कंडीशन में। और ये रहा मेरा POCO X2, जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जब इसकी फर्स्ट सेल थी तब खरीदा था, काफ़ी अच्छी ये परफॉर्मेंस मुझे दे रहा है। उसके बाद यहाँ रखा है वीडियो माइक्रो, ये रहता है रोड की तरफ से आने वाला माइक, क्योंकि मुझे काफ़ी कम कीमत पर मिल गया था रीन्यू कंडीशन पर, वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर, लेकिन मैंने इसको अभी तक यूज़ में नहीं लाया, वो इसलिए क्योंकि मैं आउटडोर वीडियो शूट नहीं करता, और इंडोर के लिए बोया और ये इंडस्ट्री माइक काफ़ी अच्छा रहता है, और इंडोर में मेरे ख्याल से ये माइक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता रोड वाला, क्योंकि इसमें डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है और कमरे में आवाज़ गूंजती है। उसके बाद ये कुछ इस तरह के ट्राईपॉड भी हैं जिनको मैं हल्का फुल्का यूज़ में ला लेता हूँ। उसके बाद सबसे मेरा फेवरेट है रियलमी की तरफ से आने वाला बड्स वायरलेस, ये इतना कम्फर्ट है कि गले में डाल के मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ या नहीं, और इसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी अच्छा लगता है, वो इसलिए क्योंकि जब इसका मैग्नेट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं इसके बड्स, तो ये स्विच ऑफ हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, जिससे एनर्जी की सेविंग होती है और ये काफ़ी अच्छा बैकअप हमें प्रोवाइड कर देता है। तो कुछ इस तरह के मेरे पास प्रोडक्ट थे, लेकिन मैंने इस प्रोडक्ट्स को रखा कहाँ पे हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ज़माने में हम देखते थे TV ट्रॉली, काफ़ी फेमस साबित था और काफ़ी फेमस थी ये TV ट्रॉली, तो आज के समय में इसका यूज़ नहीं होता क्योंकि LED आ गई है। इसमें आप देख ही रहे होंगे कि इसमें LG का TV भी रखा हुआ है, जिसको हम बचपन में देखा करते थे, लेकिन LED आने के कारण ये TV इसमें कैद होकर रह गया। तो मैंने इसको एक अलमारी की तरह यूज़ में ला रहा हूँ और अपना जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास वो उसमें रखता हूँ। नीचे भी ड्रॉर में कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हैं या फिर जो मेरे पास वो स्टिकर हैं जो मैंने लगाए हुए हैं वो हल्के फुल्के बच रहे हैं, वो भी मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरह के सेटअप्स का मैं यूज़ करता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि किस तरह के सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ करता हूँ वीडियो में, तो और उसके बाद हम जानेंगे कि कितनी कॉस्टिंग मैंने अपने सेटअप पर लगभग लगाई हुई है, क्योंकि पूरा तो बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन अप्रोक्स मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए मैं जो सेटअप है मेरा उस पर मैं बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि फाइनल जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो वो किस तरह से बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के एडिटिंग सॉफ्टवेयर के हम यूज़ करते हैं। दरअसल हमारे पास जो ऐप है वो रहता है फिल्मोरा, जहाँ से हम वीडियो को एडिट करते हैं। तो मैं लैपटॉप में दरअसल उस ऐप का यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप कोई लैपटॉप यूज़ नहीं करना चाहते एडिटिंग के लिए, तो आप पावर डायरेक्टर और काइन मास्टर जैसे ऐप का भी यूज़ कर सकते हो। तो आप कहोगे कि उसमें वाटर मार्क आता है, लेकिन आपको यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे तो बिना वाटर मार्क का क्रैक वर्जन भी आपको मिल जाएगा।
अगर आप लैपटॉप में फिल्मोरा का यूज करना चाहते हो तो वो भी पेड होता है दरअसल, लेकिन उसको भी आप क्रैक कर सकते हो, यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर का पता लग गया होगा और किस तरह से आप कम इन्वेस्टमेंट में एक एडिटिंग कर सकते हैं वीडियो की। उसके बाद आपने मेरा सेटअप देखा कि किस तरह का सेटअप है और आप लुकिंग देख रहे होंगे कि क्या हमारा फाइनल आउटपुट रहता है इस सेटअप को बनाने के बाद। तो अगर आप कोई YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हो और अगर आप पे इच्छा है कि हम नॉलेज दें YouTube पर आके, तो आपको ज़्यादा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कॉलर माइक जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, सिर्फ एक ये खरीदना है, बोया का खरीद लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ और खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाइए। क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी लगभग आज से 2.5-3 साल पहले, तो मैं मोबाइल फ़ोन में ही वीडियो बनाया करता था। अब थोड़ा सा बजट ठीक हुआ था तो मैंने कैमरा बाय कर लिया, तो वहाँ से भी आप शुरुआत करनी पड़ेगी और वहीं से शुरुआत करके आपको आगे बढ़ना है। ये तो है नहीं कि आप पहले दिन से ही कैमरा खरीद लोगे, तो धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप में जुनून है यूट्यूब पर आने का तो अभी से शुरुआत कर दीजिए और वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, तो आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। हालांकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो है ठीक है, मैं कंटिन्यू काम करता रहता हूं और अच्छा आउटपुट मेरे को मिल जाता है। तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरह का मेरा सेटअप है और किस तरह के मैं गैजेट्स को यूज़ करता हूं। अगर आप कोई भी गैजेट्स की सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। हर एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा ताकि आपको आसानी हो उनको खरीदने में या उनके बारे में जानने के लिए। तो अगली वीडियो आपको अच्छी लगी, फ़ायदेमंद लगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि किस तरह का मेरा सेटअप लगा। और मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा, अगर आप ज़्यादा सेटअप नहीं करना चाहते तो आप कहीं भी खड़े होकर अच्छी सी लोकेशन देख के वहाँ पर वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल मैं आपको अपना जो मेरा सेटअप है उसकी कॉस्टिंग में अगर मैं बताना चाहूँ, कैमरा को इंक्लूड करके, उसके बाद लैपटॉप को इंक्लूड करके, लगभग बैठती है 80,000 रुपये के करीब कॉस्टिंग या फिर 85-90 के करीब चली जाती है। लेकिन अगर आप सिंपल इस तरह का जो मेरे पास बैक सेटअप है वो ही करना चाहते हो, तो लगभग आपको 10,000 रुपये के करीब लाइटिंग वगैरह लगा के सारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का मेरा सेटअप है, आपको पता लग ही गया होगा कि किस तरह के मेरे ऐप्स हैं और किस तरह के मेरे पास गैजेट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी और अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस तरह का ये आपको सेटअप लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए।